तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नारियल पाक के लड्डू। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनेंगे। तो इसके लिए आपको एक मैंने ये छोटा सा नारियल लिया है और नारियल बिल्कुल साफ़ है, इसमें से महक नहीं आ रही है। इसको आपको ग्रेट कर लेना है और मैं इसको जो इसका ऊपर का छिलका होता है उसके साथ ही इसको ग्रेट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो छिलका हटा के भी इसे ग्रेट कर सकते हैं और आपको इस तरीके से इसे ग्रेट कर लेना है बहुत आराम से। ये देखिए, बहुत आसानी का काम है और बहुत जल्दी से ये मिठाई बन जाती है। तो जन्माष्टमी पे स्पेशली ये बनाई जाती है। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। ये देखिए, मैंने सारा नारियल था उसे ग्रेट कर लिया है और इसे बिल्कुल अच्छे से ग्रेट कर लिया बिल्कुल। और जो अगर कुछ मोटे मोटे टुकड़े हों तो उसको आप साइड कर सकते हैं। और साथ में अब इसके चाहिए, जो हमें चाहिए होगा वो है चीनी। मैंने ये एक कटोरी चीनी ली है। अगर आप चाहें तो चीनी थोड़ी कम कर सकते हैं क्योंकि इसमें मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से हम बनाएंगे नारियल पाक और इसको थोड़ा मैं ट्विस्ट के साथ बनाऊंगी। तो चलिए वो मैं आगे बताती हूँ। तो आपको ले लेना है एक पैन और नॉनस्टिक पैन लीजिएगा, कोशिश ये करिएगा क्योंकि उसमें ये चिपकता नहीं है। उसमें आपको ये डाल देनी है चीनी। चीनी डालने के बाद आपको इसमें डालना है एक कप पानी और ये मैंने थोड़ा आधा पानी डाला, आधा बचा लिया है। ज़्यादा पानी ना डालिए क्योंकि चाशनी हमें एक तार की बनानी है और इसको बिल्कुल घुलने तक, डिज़ोल्व होने तक हमें इसे पकाना है। और मैं इसको हाई फ्लेम पे पका रही हूँ, आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं। और जो ये मैंने कप लिया था, ये देखिए, ये इस तरीके का कप था, तो इसमें मैंने आधा पानी बचा लिया है। और चलते हैं चीनी का जो सिरप है वो बनाने की तरह। तो ये बन रहा है और इसको हमें एक तार तक इसे बनाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि जब एक तार जैसे आपको चिपचिपापन लगेगा उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, अब मैं कटोरी में डाल के देख रही हूँ और आपको फिंगर से दिखाती हूँ कि मुझे थोड़ा सा ऑयली ऑयली और एक तार थोड़ी सी खिंच रही है। तो ये बन चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये नारियल जो हमने ग्रेट करके रखा था। नारियल ग्रेट करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको पकाएंगे और जो गैस की फ्लेम है थोड़ी कम तेज़ आप अपने अनुसार कर सकते हो। और आपको इसे तब तक पकाना है जब तक जो शुगर आपको ये दिख रहा है ये बिल्कुल डिज़ोल्व ना हो जाए। डिज़ोल्व हो जाएगा जैसे ही, आपको पता चल जाएगा, ये पैन छोड़ने लगेगा और ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो कलर की टेंशन आप मत लीजिए क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ये जो छिलका था नारियल का उसके साथ इसे बनाया है, तो इसलिए थोड़ा सा कलर आपको अजीब लग सकता है। इसमें और कुछ नहीं डालना, आप चाहे तो इसमें मेवे भी डाल सकते हैं, मखाने वगैरह भी। जितनी देर इसको बनने में लग रही है आपको एक प्लेट में उस देसी घी लगा लेना है, उसे ग्रीस कर लेना है अच्छे से ताकि जब हम इसके ऊपर डालें तो ये चिपके नहीं और आराम से जो हम शेप जो चाहते हैं वो मिल जाए। आप ये देखिए, जो हमारा जो नारियल था और चाशनी थी वो पूरा अब्जॉर्ब हो चुकी है चाशनी और ये बिल्कुल एक आटे की तरह लग रहा है। अब इसको आप प्लेट में डाल दीजिए। प्लेट में डालने के बाद इसको आप 5-7 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। इसको आप फ्लैट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसको बर्फ़ी की शेप में भी काट सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया, इक्वल कर दिया। और मैं अब इसको बनाऊंगी एक ट्विस्ट के साथ। तो मैं नारियल पाक को बनाऊंगी एक लड्डू की शेप में, लड्डू की तरह इसको आपको बनाने है। जब ये थोड़ा सा गुनगुना हो तभी आप इन्हें बनाएं, वरना ये ठंडे हो जाएंगे तो ये कोई शेप नहीं पकड़ेंगे। इसी तरीके से आपको सारे लड्डू बना लेने हैं नारियल पाक के। नारियल पाक का लड्डू बनाने के बाद आप सामने मेरे देख रहे होंगे, मैंने ये लिया है घिसा हुआ नारियल, नारियल का बुरादा लिया हुआ है। ये देखिए, लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। उसके बाद हम इसे कोट करेंगे इस नारियल के बुरादे में। उससे क्या होगा, इसकी एक तो लुक और ये टेम्पटिंग भी लगेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आपको एक एक लड्डू लेना है और उसको नारियल के बुरादे में ऐसे कोट कर लेना है बहुत ईजली, बहुत सॉफ्टली, और ज़्यादा हार्ड से मत पकड़िएगा वरना लड्डू टूट भी सकते हैं। ये देखिए, नारियल का बुरादे में इसे कोट कर लेना है और इसी तरीके से आपको सारे लड्डू अपने कोट करके रख लेने हैं। बहुत आसान है दोस्तों और बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, कोई झंझट नहीं है इस रेसिपी को बनाने के लिए। मुश्किल से 10-15 मिनट लगते हैं और ये फ्रेश बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, मैं साथ साथ अपने सारे नारियल के लड्डुओं को कोट भी करे जा रही हूँ और आपको भी इसी तरीके से कोट करना है। अगर आप चाहें तो इसे बर्फ़ी की शेप में भी बना सकते हैं, चाहे तो लड्डू की शेप में भी बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैंने आज इस तरीके से बनाए हैं। तो देखिए हमारे नारियल पाक के लड्डू कितने अच्छे और कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, सच मानिए टेस्टी भी हैं। बस चीनी आप अपने
स्वाद के अनुसार कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ज़्यादा खाते हैं तो चीनी जितनी मैंने बताई है उतनी लीजिएगा, और अगर कम खाते हैं तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी आप कम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए नारियल का लपाक कितना अच्छा लग रहा है, और ये मैंने लड्डू की शेप में बनाया तो ये और भी औसम लग रहा है। इस जन्माष्टमी पे अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, और मुझे बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा इस रेसिपी के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हैप्पी जन्माष्टमी। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।